ओम शांति। तो संपन्न बनने के लिए शॉर्ट में कौन सी बाबा ने विधि बताई है? पांच स्वरूप का अभ्यास। सुदर्शन चक्र है, ऐसे ऐसे चक्कर फिरता है, ऐसे ऐसे आत्माएं आती हैं, हम ऐसे देवी देवता थे, ऐसे चक्कर त्रेता में राम सीता थे, द्वापर से ऐसे ऐसे आए, ये चक्कर बार बार स्मृति में लाएंगे, सबको याद करेंगे तो आपकी बुद्धि में रहेगा नथिंग न्यू, ये क्या है, बना बनाया ड्रामा है। सब आत्माएं क्या हुआ, अपना अपना पार्ट बजा रही, रू रू को देख रही, रू रू से बोल रही, रू रू अपना पार्ट बजा रही। तो क्या होगा, कोई भी बात होती ना तो हमारा क्वेश्चन उठता है, तो इससे क्या होगा, सबका घर एक है, सबका बाप एक है, यानी बेहद में चले जाएंगे। सब आत्माएं आपस में, एक पिता के संतान आपस में भाई भाई, बेहद की दूसरी विस्ति बनानी है, हर प्रकार से बेहद में जाना, यही तो नष्टो मोह बनने का साधन है, चले जाए, ठीक है ना। तो ये पांच स्वरूप का जो अभ्यास है ना, बाबा ने जब डायमंड हॉल तो कहा था कि पांच स्वरूप का अभ्यास हर बच्चे को हर घंटे 10 मिनट करना है, है नहीं? तो दिन रात में कितने होते, 24 घंटे, तो 240 मिनट हो गए। फिर किसी ने कहा बाबा इतना तो बहुत मुश्किल है, तो बाबा ने कहा कोई सब्जेक्ट मुश्किल होती है तो मुश्किल करके छोड़ देते हैं क्या उसको, है? जैसे किसी को इंग्लिश मुश्किल लगती है, किसी को मैथ मुश्किल लगता है, तो उसको छोड़ देंगे? तो बाबा ने कहा मुश्किल लगता है लेकिन करना तो पड़ेगा, है नहीं? फिर बाबा ने कहा, फिर किसी ने पूछा बाबा कम से कम कितना करें, तो बाबा ने कहा कम से कम 8 बार, है नहीं? ये पांच स्वरूप का अभ्यास कम से कम 8 बार करो। लेकिन जो कम से कम करते हैं वो तो क्या हो गया, वो तो पासिंग मार्क्स हो गई, भाई मिनिमम 33 नंबर है, वो किसके लिए है, पास के लिए होने के लिए। और अगर पास भी डोनर बनना है तो क्या करना है, पांच स्वरूप का अभ्यास जितनी बार करना चाहो उतना करो, ठीक है ना। ओम शांति।